वकीलों के कार्यालय के व्यावसायिक गतिविधि को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जा सकता, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित शुल्क या कर उस पर नहीं लगाए जा सकते। नमस्कार, जोहार साथियों। आपको मालूम भी होगा कि यदि अधिवक्ता अपने घर में अपना कार्यालय चलाता है तो उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जाता, यद्यपि उसके उस कार्यालय में शटर लगा हुआ हो, उसमें कार्यालयीन कर्मचारी कार्य करते हो, वहां मुंशी हो, फोटोकॉपी करने वाला व्यक्ति हो, टाइपिस्ट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, फिर भी उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जा सकता। भारत में कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपने अपने निर्णय दिए हैं। सभी ने वकीलों के घर में चल रहे कार्यालय को व्यावसायिक प्रतिष्ठान मानने से इनकार किया है। अभी एक ताजा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को पुनः परिभाषित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हालिया मामले में कहा है, आवासीय भवनों में अपना कार्यालय संचालित करने वाले वकीलों के प्रतिष्ठान या ऑफिस को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि वकील अपने घर में कार्यालय संचालन करते हैं तो उस घर का संपत्ति कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में नहीं लिया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह कहा कि वकीलों के जो व्यावसायिक गतिविधि है उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान की गतिविधि नहीं माना जा सकता, और चूंकि वकीलों के कार्यालय के व्यावसायिक गतिविधि को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जा सकता, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित शुल्क या कर उस पर नहीं लगाए जा सकते। ये विवाद 2013 में तब उत्पन्न हुआ जब दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका ने एक वकील के घर में संचालित कार्यालय को व्यावसायिक प्रतिष्ठान मानते हुए संपत्ति कर का नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट दिल्ली के एकल न्यायाधीश ने भी इस बात को माना और उन्होंने वकील के घर में संचालित कार्यालय को व्यावसायिक प्रतिष्ठान मानने से इनकार कर दिया। इस फैसले के अगेंस्ट नगर पालिक निगम दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के डबल बेंच के सामने अपना अपील प्रस्तुत किया। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने इस फैसले पर विचारण करते हुए कहा कि माननीय एकल न्यायाधीश का जो निर्णय है वह सही है। इस केस में माननीय डबल बेंच ने भारत में इस संबंध में हुए विभिन्न फैसलों पर भी चर्चा की है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन सखाराम नारायण केरदेकर वर्सेस सिटी ऑफ नागपुर कॉरपोरेशन एंड अदर्स, जो AIR 1964 बॉम्बे के पेज नंबर 200 में उल्लेखित है। न्यायालय ने टू बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स वर्सेस शिव नारायण एंड अदर्स 2005 7 SCC 283 का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट इन द बेंगलोर टफ क्लब लिमिटेड वर्सेस रीजनल डायरेक्टर एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के केस को भी उद्धृत किया जो 2014 का था 9 SCC। वकीलों का जो व्यावसायिक कार्य है वह न केवल संपत्ति कर में छूट प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वरन उसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन पर और दूसरे प्रतिष्ठानों के समान जो कानून लागू होते हैं वो कानून भी इस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, ऐसा माना गया है। इसी के साथ ही के कनका सब्बाई वर्सेस द सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स WPC 2173 2003 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें जब वकील का व्यवसाय व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में माना ही नहीं जा सकता तो उस पर व्यावसायिक विद्युत दर चार्ज नहीं किया जा सकता। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के एक मामले को भी कोट किया। द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सत्य प्रकाश सिंह एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स, इस तथ्य के बावजूद कि एक डॉक्टर वहां क्लिनिक चला रहा था, ग्राउंड फ्लोर के हिस्से को वाणिज्यिक के रूप में मूल्यांकन को रद्द कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि एक डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील या किसी सलाहकार का काम एक ऐसा पेशा है जो किसी भी व्यापार या बिजनेस से अलग है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आवासीय क्षेत्र से क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला चलाना व्यवसायिक प्रतिष्ठान या दुकान के दायरे में नहीं आएगा। इसका बाजार मूल्य एक वाणिज्यिक भवन के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो साथियों, इन सभी रूलिंग्स की चर्चा करते हुए हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ने उस याचिका को खारिज कर दी। धन्यवाद साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप यदि मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो कम से कम उसे लाइक तो कर दिया करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगा, मेरे प्रेजेंटेशन में क्या कमियां हैं, इस संबंध में भी आपको आपके मन में कहीं कुछ विचार हैं तो मुझे सुझाव अवश्य दें, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार।